आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक, जहां आपको अंडर रूट के अंदर बहुत सारे टर्म्स गिवन होती है, अल्टीमेटली सेम नंबर आपको गिवन होता है गाइस, सेम नंबर आपको अंडर रूट में गिवन है और ये आपको इनफाइनाइट टाइम्स गिवन होता है। तो क्या बेस्ट तरीका है स्टूडेंट्स कि इस नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे सच दैट दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको मिल रहे हो, दो लगातार नंबर आपको मिल रहे हो गाइस। तो 12 को मैं ले सकता हूं 3/4। बच्चे बोलेंगे सर 6 2 12 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 और 2 आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, 3 और 4 कॉन्सिक्यूटिव है। हम इसी तरीके से इन्हें फैक्टराइज करेंगे। 12 की अगर बात करें तो 3 × 4 प्लस प्लस साइन अगर है तो हमेशा बड़ा नंबर आपका आंसर होना है। सिमिलरली 56 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, 7 8 56। तो यहां इस सीरीज का सम 8 आना है गाइस, और यहां नेगेटिव साइन है। स्टूडेंट्स जब भी नेगेटिव साइन होगा हम हमेशा क्या लेने वाले, छोटा नंबर लेने वाले, 8 × 9। तो आप बोलेंगे 72 को आप लिख सकते हैं 8 × 9, छोटा नंबर, मतलब 8 आपका यहां भी आंसर बन रहा होगा। ऐसी ही शानदार ट्रिक जानने के लिए बने रहें एड अंकल के साथ।